press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू testbook.com। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की, मतलब जो हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं वो कितने हद तक इम्पॉर्टेंट है रेलवे के। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो LP के हों या और भी किसी एग्ज़ाम के, उनको पता होगा कि साइंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो आज उस पूरे साइंस की क्लास को लेकर के आए हम। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो आपसे क्या पूछने वाला है फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, आपको बताना है व्हाट इज़ द टेम्परेचर आर फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल। वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। इट्स -40, 574.5940 या -74.56। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से, किसमें फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको कन्वर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमको कैसे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेनहाइट और आपका जो सेल्सियस होता है उसमें और आपका केल्विन, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर को मीज़र करने वाले बोल सकते हैं कि यूनिट्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप इस तरीके से इनको कर सकते हो, इनको इक्विलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 32 और अगर आप देखोगे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 212। इससे आपको 32 को माइनस कर देना है, यहाँ पर रखना है 100 और उसके बाद से F -32 अपॉन, देखोगे तो यहाँ पे 180 आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू को सेम करना है। मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू को सेल्सियस सेल्सियस कर दिया, और जब मैंने इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जैसे कि जनता ज़्यादातर यहाँ पर बता रही है कि सर होना चाहिए क्या, तो दैट इज़ -40। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -40 आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका टेम्परेचर होता है 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में यही होना चाहिए। आप लोग थर्मल स्क्रीनिंग कराने जाते हो तो जब दूर से लेते हैं तो 94 या 95 के करीब होता है। आप लोग थर्मल स्क्रीनिंग आजकल देख रहे होगे, हर जगह पर इतना फॉरेनहाइट रहता है, लेकिन एक्चुअल जो आपका टेम्परेचर है बॉडी का 98.6 फॉरेनहाइट रहता है। लेकिन अगर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करूं तो सेम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा और मेरा आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट अगर पूछेगा तो अपने टाइम को बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, 37 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, सेकेंडरी कलर कैन बी गेट बाय द मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी कलर्स रेड एंड ब्लू। आप लोग जानते हो हमारे प्राइमरी कलर, कंप्यूटर जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB। ठीक है, RGB का मतलब रेड ब्लू और ग्रीन। इनमें से मैं रेड और ब्लू को मिक्स कर दे रहा हूँ, रेड और ब्लू को मिक्स कर दे रहा हूँ, तो आपको बताना है वॉट इज द नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट जो कलर होगा वो क्या होगा। जल्दी से बताइए फटाफट से। तो देखिए, आपको अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है तो आपको वो जो हमारे बोल सकते हैं पूरा फॉर्मूला है एक्यूलेट करके जो निकलता है वो पता होना चाहिए। आप कुछ ऐसे हमारे टेम्परेचर होते हैं जो हमको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे टाइम किल होता है, कई बार हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं तो वो याद करके जाइए। तो यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए ए नंबर, मतलब वाइट कलर होता है। ठीक है, जनता को लग रहा है कि सर वाइट होना चाहिए, बाकी के लोग बताइए। हमने रेड और ब्लू को मिलाया हुआ है, कार्तिक का सिर्फ अभी तक जवाब आया है। यहाँ पे अगर हम लोग सही जवाब की बात करेंगे तो दैट इज मर्जेंटा कलर। अब लोग सर ये मर्जेंटा कलर क्या होता है, तो मर्जेंटा कलर आपने देखा होगा जो हमारी 2000 की नोट होती है जो उसका कलर होता है, दैट इज नोन एज मर्जेंटा कलर, जिसके पीछे मंगलयान बना हुआ है। तो ये आपका सही जवाब है, लेकिन कुछ लोगों ने व्हाइट कलर बताया था। तो अगर मैं सारे कलर्स को मिक्स कर दूं, सारे कलर जितने भी कलर हैं, चाहे वो आपका क्या हो, जितने भी आप विवियोर जानते हो, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, ठीक, येल्लो, और उसके बाद से रेड, तो विवग्योर कलर को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो हमारा जो कलर बनेगा दैट इज व्हाइट कलर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं कौन से, तो मैं अगर येल्लो और
येलो और ब्लू को मिक्स कर देता हूँ आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। मतलब अगर मेरी कोई व्हाइट शर्ट है, व्हाइट कलर की शर्ट है, ठीक है, अगर मुझे उसको येलो दाग को हटाना है तो मैं उसमें क्या कर देता हूँ, मैं उसमें नील डाल देता हूँ, आया नया उजाला चार बूंदों वाला। तो येलो और ब्लू जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो भी व्हाइट कलर बन जाता है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे क्या पूछने वाला है अभी आपको बताना है। व्हीट स्टोन ब्रिज, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो आपका क्या मेजर करता है, ठीक है, करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फील्ड या रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग एक जॉकी फंसा करके मेजरमेंट लेते थे। जल्दी से बताइए, कंप्रेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, किया है कि नहीं आप लोगों ने? राहुल बोल रहे हैं कि सर रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस की तरफ लोग जा रहे हैं, इस तरह को लग रहा है कि सर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो जितने भी लोग हमारे 11th और 12th में अच्छे से पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो वहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग एक जॉकी फंसा करके उससे हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिसमें P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ऐसे करके हम लोग रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, हमने ये बहुत अपने स्कूल के टाइम में किया था। और व्हीट स्टोन ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसी तरीके से हमारा एक होता है मीटर सेतु होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आपको बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। हमारा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, लाइट इन द एयर, ठीक, किसी मीडियम में लाइट की चाल अपॉन लाइट की चाल एयर में, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, द सम ऑफ स्पीड इन लाइट इन मीडियम एंड इन एयर, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन यहां पर दो में से अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, ऑप्शन नंबर एक और फोर। यहां पर लोग जो कंफ्यूज होंगे वो एक और चार में ही होंगे, ठीक है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताया था कि भैया पानी का क्या होता है, केरोसिन का क्या होता है, डायमंड का क्या होता है, क्राउन ग्लास का क्या होता है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो नहीं देखे होंगे पीछे के वीडियोस जाके देखिएगा, वहां मैंने बताया था 1.33 1.43 क्या होता है ये। तो ये होता है हमारा रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर, ठीक है, जिसको मैं वी बोल देता हूं, ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का रेशियो, दैट इज नोन एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इन लेंस। लेंस में जब हमारा जो लेंस का जो फिनोमिना होता है वो ये होता है। लेकिन रीजन क्या होता है तो आपको याद रखना है, ये हमारा हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। इजी है लेकिन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है, ठीक है, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी या टेम्परेचर? जल्दी से बताइए, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वेक्टर स्केलर डायमेंशन, ठीक है, यूनिट। इसके ऊपर एक या तीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं हमारे, ठीक है रामू, वेरी गुड। ऐसे रिवाइज करते रहना है, एग्जाम में जैसे ही हम जाएं हमारे क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो जनता का मानना है कि सर एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर की तरफ जनता जा रही है, सर एक नंबर, कुछ को लग रहा है सर दो नंबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इज द आपका वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। अगर मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया, अगर मैं आपसे बोलूं 60 न्यूटन का फोर्स लगाओ, सभी लोग क्या करने लगेंगे, सभी लोग जाकर के पुश करने लगेंगे, उसको धक्का मारने लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग उसको पकड़ के क्या करो, पुल करो। तो मैंने अगर आपको बताया नहीं, मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई, इट मींस ऐसी हमारी क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन के बिना अधूरी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, प्रेशर, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये सभी के सभी हमारे स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है रडार। रडार के बारे में आप सभी लोग जानते हो, फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, क्या होना चाहिए? आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग देखिए और बताइए। रामू ने इसकी डायमेंशन भी बताई है, प्रियंका भी डायमेंशन बता रही है कि सर MLT-2 होती है। राहुल, MLT-2 F बराबर MA होता है, 1 नहीं होगा, M की होती है, A की याद कर लो, LT-2। राहुल ने जो बताया है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी मोमेंटम की है, ठीक है बच्चों। राहुल को लग रहा है कि सर होना चाहिए 3, रेडियो 3 नंबर होना चाहिए, इट्स ऑप्शन नंबर 1, रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर। रेडियो
डिटेंशन एंड रेंजिंग, ये इसका सही जवाब है, जो कि हमारा रेस को ट्रांसमिट करता है। अगर ये किसी से टकराती है तो यहाँ से टकराने के बाद वापस से ये रिसीवर के द्वारा रिसीव की जाती है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रडार में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जिससे कि आपको याद रहे। अगर आप यहाँ पर कमेंट करते हो कोई भी चीज़ तो वो आपको एग्जाम में जरूर याद रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है। सेमी कंडक्टर अभी बहुत सारे लोग गलती भी कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, दैट इज गैलेनियम सिलिकॉन फास्फोरस या क्लोरीन। मैं चाहता हूँ कि अभी कोई गलती ना करे, जल्दी बताएंगे सब लोग। गोली बोला है 30 out of 30 आएंगे, नहीं आए तो बेटा तुमको हम बताएंगे। त्रिपाठी जी जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। अच्छा, अरे यार राहुल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जनता बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 सिलिकॉन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग सिलिकॉन का तो करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का भी हम लोग जो है कंप्यूटर, बिल्कुल अभी हम बताएंगे कि भैया हम लोग क्या क्या लेकर के आए, हमारे पास क्या क्या खजाना है बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम तो आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आए गए हैं, तो एग्जाम होंगे। तो कंप्यूटर जी बोल रहे हैं सर बच्चों को बताइए कि हम क्या क्या उनके लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल बताएंगे कंप्यूटर जी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। जितने भी आप लोग आईसीज का इस्तेमाल करते हो, चाहे जितनी भी आईसीज हो, चाहे जितने भी हमारे जो है वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज हो, उसमें सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अच्छा आप लोग जब तक ये बताइए सिलिकॉन जो है ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, सिलिकॉन कौन सी फैमिली का मेंबर है, तब तक मैं आपको कार्बन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, या हाइड्रोजन फैमिली का है, आप लोग जवाब दोगे तब तक मैं आपको खजाना बताता हूँ भैया तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। तो हमारे कंप्यूटर जी ने बोला है कि अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो हम उनका लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक पास, जिसमें 100 से ज़्यादा एग्जाम है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, सिलेक्शंस की गिनती नहीं है कि कितने सिलेक्शन है। अभी हमारा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि SSC टीयर 1 का एग्जाम आया, मतलब नंबर ही नहीं है कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप भी इन्हीं की तरीके अपने सपने को साकार कर सकते हो इस टेक्स्ट बुक पास के थ्रू। ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें SSC CPO, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जो कि अभी रिसेंट में आया हुआ है, जो कि अपने सारे क्राइटेरिया को फिल करते हैं और SSC की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये बैच ज्वाइन करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। एक बाबा आते हैं ना, बोलते हैं कि भाई अपने पर्स में जो है वो चांदी का सिक्का रखो, सोने का सिक्का रखो, ज़िंदगी बदल जाएगी, काय को रोटी खिला दो। ज़रा कमेंट करके बताओ वो कौन से बाबा हैं। उसी तरीके से अगर तुमने ये कोचिंग कर ली तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने से ही काम होता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो यूट्यूब पर क्या होता है कि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, फिर 9:30 बजे मैथ की क्लास होती है, 10 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। SSC लेवल के जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो ऐसे आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, सब कुछ कराने वाले हैं। क्योंकि जनता यहाँ पर बता रही है कि कार्बन फैमिली का मेंबर है, सर ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। तो देखिए कंप्यूटर जी याद करना बहुत आसान है, का, ठीक है, का मतलब होता है कार्बन, कासी गे सन की पागल, कौन गए तो सन की पागल, ये सभी के सभी जो है कार्बन फैमिली के हैं, कौन, कासी गे सन की पागल, तो ये सारे के सारे, तो सिलिकॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बन फैमिली का जनता बता रही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है हु अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादन करता है, इट्स अ ट्रांसमीटर, इट्स अ इलेक्ट्रोग्राफ, डायनमो या वोल्टमीटर। हमारे जो बोल सकते हैं कि भाई साहब थे जिनका नाम था फैराडे, उन्होंने इसकी खोज की थी और बताया था कि भाई अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रोटेट करोगे बार बार तो उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अभी आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बनाया गया था हमारे फैराडे के द्वारा, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो जनता बोले सर डायनमो होना चाहिए, अरे जनरेटर भी तो होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है दैट इज डायनमो, डायनमो की तरफ जो है वो सही जवाब है, डायनमो इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें ट्रांसमीटर की, तो ट्रांसमीटर सिंपल से सिग्नल्स भेजता है। इलेक्ट्रोग्राफ्स क्या करते हैं, तो ये ग्राफिक्स दिखाते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो ECG करवाते हो अपना, ठीक है, और वोल्टमीटर वोल्टेज को मीटर करता है। तो डायनमो इज द राइट आंसर, और डायनमो का ही अपग्रेडेड वर्जन होता है जनरेटर, दैट इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द सर्टेन हाइट देन द एनर्जी विल बी, अगर कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं इसको गिराना शुरू कर रहा हूं,
तो ये एनर्जी इसमें क्या होगा, क्या होगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एनर्जी के बारे में पूछ रहा हूँ, ना ही पोटेंशियल और ना ही आपकी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ, सिर्फ एनर्जी पूछिए, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। जनता बताओ भाई क्या होना चाहिए फटाफट से। तो विशाल बोल रहे हैं कि सर एक नंबर होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, कुछ लोगों को इंक्रीज डिक्रीज लग रहा है। लेकिन सज्जन जैसा बोल रहा है कि सर हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो हमारी एनर्जी जब नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हर एक केस में सेम रहती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और ऑलवेज एट एनी पॉइंट एट द बॉल व्हेन इट केम डाउन द एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मेरी एनर्जी, मैं शुरू में आता हूं तो मेरी एनर्जी जो है जैसी रहती है और लास्ट क्लास के लास्ट तक एनर्जी वैसी ही रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अभी चलते हैं, अभी आपको बताना है एरकियन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच फंक्शनल एरिया ऑफ साइंस। एरकियन प्रभाव जो है वो विज्ञान के कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जियोलॉजी भू विज्ञान, इट्स नॉट जियोग्राफी। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। चमका चमका सबको चमक गया है। चलिए तो अगर हम लोग बात करें तो एरकियन इफेक्ट की अगर बात करें तो हमारे जो रेडिएशन का डिफरेंट हमारे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनके बारे में मीजर करना, दैट इज नोन एज एरकियन इफेक्ट। और इसको मीजर किया था एरकियन ने, और ये रेडिएशन से मतलब ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ हमारा फिनोमिना है, इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट इज रिलेटेड फ्रॉम फिजिक्स। किससे रिलेटेड बच्चों, ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, दैट इज द राइट आंसर एरकियन इफेक्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी हैपन इफ ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर सील्ड विथ अ लिड एंड पुट इन टू द फ्रीजर। अगर मैं क्या करूं, एक वाटर में उसको पूरी तरीके से वाटर से पानी से भर दूं, सील कर दूं और उसके बाद से इसको फ्रीजर में डाल दूं, क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। नथिंग विल हैपन, एक्चुअली द आइस विल बस्ट द बॉटल, वेट ऑफ ग्लास बॉटल विल इंक्रीज आफ्टर ग्लास फ्रीजेस या वाटर फ्रीजेस इन टू आइसेस, द वाटर बॉटल विल बी डिफॉर्म इन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द बॉटल आफ्टर वाटर फ्रीजेस। तो आराम से सोचिए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी की तरीके से एक नया क्वेश्चन लेकर के आया। मैंने एक बोतल ली, उसमें पानी भर दिया ऊपर तक और उसको सील पैक करके फ्रीजर में डाल दिया, क्या होगा, करके देखना आज। जनता बोली है पानी जमने के बाद बोतल और वायुमंडलीय दबाव के कारण जो कांच है वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, ऐसा जनता को लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूं क्या होगी। तो एक्चुअली जिसने भी ये किया होगा, आप उसको सील पैक करके भरोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा बोतल का जो वॉल्यूम है बढ़ने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से, डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारी बोतल जो है वो टक से करके टूट जाएगी। तो दैट इज द राइट आंसर। हमारे आइस का एक्सपेंशन हो जाता है जब भी हमारे पानी को हम लोग बर्फ में बदलते हैं, 9-10% तक ये बढ़ेगा, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से एरिया इतना ही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसलिए अपने अपने एरिया को कवर अप करने के लिए वो बॉटल को तोड़ देगा। तो यहाँ पे सही जवाब ज्यादातर जनते ने बोला कि सर होना चाहिए दो नंबर इज द राइट आंसर। आई थिंक आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन टकराता तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के छोड़ के आते, लेकिन ये इसका सही उत्तर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक डायमेंशन लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि भैया ये डायमेंशन किसका, वेट, डेंसिटी, फोर्स या वॉल्यूम, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। मैंने पूछा ML-3 T0। अच्छा कोहली तुम्हारा सही था, आजाद अली बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो हैं। तो जनता बोल रही है प्लास्टिक की बोतल में करके देखो, प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली टूटने के काबिल होगी, टूटेगी नहीं तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने तुमको कांच की बोतल दी थी। तो यहां पर देखेंगे M का मतलब होता है मास और
L का मतलब होता है हमारा लेंथ और तीन बार आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम इज ऑलवेज नोन एज डेंसिटी. हमारा मास अपॉन वॉल्यूम को हमेशा डेंसिटी बोलेंगे. वेट की अगर हम बात करें तो mg होता है, इसलिए इसका वेट का और हमारे फोर्स का हमेशा डायमेंशन सेम होगा. ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुत्थी त्वरण है, और ये नॉर्मल सा हमारा त्वरण है. दोनों का डायमेंशन सेम होगा, MLT-2 शुरू में बताया था. अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो बता चुका हूं एल क्यूब होता है, तो दैट इज द राइट आंसर. अभी आपको बताना विच केमिकल लॉ प्रोसेस दैट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2. जल्दी बताइए. बता चुका हूं तुम लोगों को कि उसको हाई प्रेशराइज करते हैं जिससे कि हमारी जो CO2 है वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाए. राउल्ट का लॉ था, हेनरी डाल्टन या ओम्स लॉ, जल्दी से बताइए सभी लोग. कंप्यूटर जी चाय पियेंगे, जल्दी से बताइए. जितने लोगों ने पीछे मेरी क्लासेस की हैं और उनको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो मैं चाहता हूं कि उनको लाइक के फॉर्म में यहां पर बताना पड़ेगा. जितने लोग जवाब दे रहे हैं प्लीज लाइक करके बताइए कि सर हमको ये पता है, हमने ये पीछे एक बार पढ़ा हुआ था अपने मॉडल टेस्ट में और ये रिवाइज कर रहे हैं हम. तो एक बार जल्दी से सभी लोग जो हैं वो लाइक के फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि ये इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर, जनता जैसे ये बता रही है सर, 2 नंबर, मतलब हेनरी का लॉ. हेनरी का लॉ हमेशा ये बोलता है कि अगर आपने किसी चीज को प्रेशराइज कर दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, वो घुल जाएगा. प्रेशराइज करने का मतलब ये कि वो टूट जाता है. आपको भी मैं अगर प्रेशराइज कर दूं कि भैया तुम्हें पढ़ना है तो तुम भी टूट करके पढ़ोगे, घुल जाओगे मेरे क्लासेस में. तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो सुबह 8:30 बजे और शाम को 5 बजे तो आते ही हो, लेकिन बहुत सारे स्किप कर देते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे राउल्ट के लॉ की बात करें तो राउल्ट का लॉ क्या बोलता है? राउल्ट का लॉ बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. अब बोलोगे सर ये क्या बोल गए, तो एक बार फिर से देखते हैं. राउल्ट ने ये बोला था कि एक विलयन का मतलब उसमें एक हमारा क्या है, लिक्विड भी है और उसमें कुछ सॉलिड भी है, उसको हम लोग विलयन बोलते हैं. जैसे कि चीनी को अगर पानी में घोल दोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो उसमें जो विलायक होता है, विलायक मतलब जिसको आपने घोला है, उसका आंशिक दाब विलयन के मोल के विभिन्न, जो हमारे विलयन है उसके मोल के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, अगर आप पानी लोगे तो वो अलग उसका प्रेशर रहेगा, अगर आप मिल्क लोगे तो उसका प्रेशर अलग रहेगा, ऐसे राउल्ट ने बोला था. तो ये नियम आपको याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बता सकते हो कि किसी भी हमारे सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो उसके सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा राउल्ट ने बोला. लेकिन ये नियम किसने बताया था, तो आप बोलोगे हेनरी ने बताया था. ठीक है भैया, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अभी आपको बताना है व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. हमारा जो सरफेस टेंशन होता है, जब मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है, उसके ऊपर जो हमने क्या लगाया, फोर्स लगाते हैं किसी भी लिक्विड के ऊपर, इस पर यूनिट ऑफ लेंथ के ऊपर, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन. जो बारिश की बूंद गोल होती है इसी की वजह से, इसका यूनिट क्या होगा लेकिन सेंटीग्राम, ठीक है, ग्राम और सेकेंड में बताना है. जनता बोले कि सर होना चाहिए डाइन पर सेंटीमीटर, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, तो मैंने यहाँ पे तुमसे दोनों की चीज पूछ ली. फोर्स की क्या होती है, तो बोलोगे डाइन. डाइन मतलब एक यूनिट होती है, डाइन मतलब कुछ और मत समझ लेना. ठीक है, दूसरी क्या होती है, तो दूसरी होती है सेंटीमीटर. तो दैट इज द राइट आंसर, डाइन पर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, समझ में आया ना कैसे करेंगे. तो फोर्स की जो है वो डाइन होती है, और आपको ये भी पता होगा. अच्छा, तुम लोगों को बाकी की चीजें भी तो बता दी जाए भाई. केल्विन किसकी होती है, तो केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर सबको पता है. अर्ग इज द SI CGS यूनिट ऑफ, मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर ग्राम और सेकंड में अगर देखेंगे तो ये हमारे वर्क की यूनिट होती है बैरे. मुझे नहीं लगता कि किसी को शायद पता होगा बैरे जो है, इट इज द यूनिट ऑफ बैरे जो है वो हमारी CGS यूनिट होती है प्रेशर की. प्रेशर की जो हमारी SI यूनिट होती है क्या होती है बच्चों, पास्कल होती है लेकिन बैरे जो है ये हमारी प्रेशर की CGS यूनिट होती है. चलो कम से कम 3-4 चीजें नई सीख तो रहे हो तुम लोग.
सीख गए ना नई चीजें, बैरे किसकी यूनिट होती है पता चल गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन ट्राइटेनियम एटम, ट्राइटेनियम एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, इट्स 1, 2, 3 या 4 जल्दी से बताइए। कि जो ट्राइटेनियम का एटम है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 1, 2, 3 या 4 जल्दी फटाफट से बोलो जनता। हाँ समझ गए, निकालो निकालो। तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार आइसोटोप्स के बारे में, तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटेनियम, 1H3, तीन आपके जो है इसका एटॉमिक वेट होता है, तो 1H3 कई बार पढ़ा है। अब मैंने पूछा न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये हमारा प्रोटॉन, तो इसमें से ये हमारा प्रोटॉन कितना है बोलोगे सर 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है बोलोगे सर 3 है, यहां पर कर दो प्रोटॉन को, यहां पर कर दो न्यूट्रॉन को, अगर हमने क्या कर दिया न्यूट्रॉन में से ये गया तो हमारा कितना बच गया, तो बच्चे 2। इज अ इजी क्वेश्चन त्रिपाठी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोन्स पूछ रहा हूं, कौन सा एग्जांपल लेंगे, दिमाग लगाओ 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 दिमाग लगाओ। हाँ देखो तुम लोगों को सब कुछ दे भी दिया है, एटॉमिक नंबर दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया, अब तो तुमको बता देना चाहिए कि क्या होना चाहिए। आंखों आंखों में ही करो, जैसे विनीत सर बोलते हैं ना आंखों आंखों में कैलकुलेट करके निकालो, वैसे तुम लोग आंखों आंखों में निकालो क्या होना चाहिए। जनता बोले कि सर होना चाहिए 4 नंबर, कुछ लोग 2 नंबर भी लग रहा है, मीरा कुमारी को, शुभम को लग रहा है कि सर 2 नंबर होना चाहिए, रॉकी को लग रहा है कि सर 1 नंबर होना चाहिए। अलग अलग यहां पर जवाब आ रहे हैं भाई, अलग अलग जो है वो जवाब आ रहे हैं भैया। आइसोटोन्स, इनमें से कौन सा आइसोटोन नहीं है पूछा गया बच्चों। नहीं का मतलब क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आइसोटोन्स का मतलब है आपके क्या सेम होने चाहिए, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर सेम है तो आप बोल सकते हो कि आइसोटोन्स है। मतलब ये प्रोटॉन है और मैंने पीछे बताया था ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसमें से घटाते चले जाओ तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो सभी के जो है इन सभी में आप घटाओगे तो दोनों में आपके जो न्यूट्रॉन है वो सेम आते चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक में नहीं आएगा, आंखों आंखों में दिख रहा होगा ये डिफरेंस जो है वो बहुत डिफर कर रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 4 नंबर जो है वो सही जवाब है। आप लोग माइनस करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि भैया यहां पर कितना आ रहा है, तो 7, 5, 12, 7 आ रहा है और यहां पर देखोगे तो 20 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों में देखोगे तो डिफरेंस सेम आ रहा है। किसी को भी उठाकर चेक कर लेना बाद में, आई होप समझ गए होगे। अभी आपको बताना फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल, इन दोनों का मैंने क्या किया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, मतलब कई बार पॉलीमराइजेशन का मतलब कई सारे हमने एलिमेंट ले लिए, तो अब इसको फाइनली क्या बोलेंगे, दैट इज मैलक पॉलीस्टाइरिन बैकेलाइट या फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब बताने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा जिससे कि आपको याद भी हो जाए कि ये जितने भी हमारा जो एलिमेंट है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, जो हमारे ये एलिमेंट है ये आपका स्विचेस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग का मतलब आपने इसको हीटअप किया, मुलायम हो गए, लेकिन जैसे ही वापस से आपने इसके ऊपर से हीट का हटाया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, तो ये वापस से आपके क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ऐसी प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग बोलते हैं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा क्या, तो दैट इज बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वो इसका सही उत्तर होगा, यहां पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड की बात आ गई तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द आईयूपीएसी। ठीक है, रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश रिफ्रेश, ऑल ओके हो जाएगा, रिफ्रेश करो जनता भाई, रिफ्रेश, बफरिंग हो रही है, एक बार रिफ्रेश करो सभी के सभी। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ,
और अपने सिस्टम को रिफ्रेश मोड पर डाल दो, जिससे कि जहां पर जो सबसे पहले जवाब बताएगा उसका नाम मैं बॉक्स के अंदर लिखने वाला हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम सज्जन, जल्दी से फटाफट से। अरे भैया वहां पर जो लो ग्रेड है उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, आपकी आपके लिए जो जॉब है उसके लिए कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट के हाथ में जाया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले इसीता बताया सर मेथे नल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसीता ने बताया कि सर सबसे पहले तो हमें कोई भी आईयूपीएसी पूछता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, HCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमें क्या करना है, इसमें कार्बन को काउंट करना है, तो कार्बन जब एक होता है तो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, और इसमें जब हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता है तो उसमें हम लोग नल लगा देते हैं, तो दैट इज मेथेनल, ठीक है। मेथेनल इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है, भैया फार्मूला तो पता कर लो क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है मेथेनल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है व्हाट कलर इज ऑब्टेंड व्हेन कॉपर, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ग्लास। हम अगर हमने किसी में कॉपर मतलब Cu2O को डाल दिया तो जो हमारे ग्लास का कलर आएगा वो कैसा होगा, दैट इज रेड ब्राउन ग्रीन या ब्लू, ब्लू है पानी पानी या ग्रीन ब्राउन या रेड। मेथेनल जितने लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहां पर जनता को लग रहा है कि सर अगर हमने ये कलर डाल दिया कॉपर ऑक्साइड का कलर डाला तो हमारा क्या बनेगा, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर कॉपर का ऑक्साइड उन्होंने बोला हुआ था, तो वो हमारा बनेगा ऑलवेज मतलब ब्लू बनेगा हैं, ग्रीन, सारे कलर घोल दो पानी में डाल करके घोल दो। यहां पर सही जवाब है जब हमने कॉपर के ऑक्साइड मतलब CU2O को डाला हमने ग्लास में तो वो कलर आएगा रेड। अगर यहां पर तुम लोग ब्लू बोल रहे हो तो उसके लिए आपको कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करोगे, कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये याद रखना है। अगर मैंने क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लिया तो ग्रीन कलर आ जाएगा, और अगर मैंने आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लिया तो मेरा कैसा कलर आ जाएगा, तो आयरन का इस्तेमाल किया तो ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, रेड कलर आता है इससे आपका जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से आता है ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो है वो हमारा किससे आता है, तो ग्रीन कलर आपका आता है मैंने आपको बताया क्रोमियम ऑक्साइड से, और ब्राउन कलर आता है किससे, तो आयरन ऑक्साइड से, याद कर लो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cr2O3 होता है, ठीक है, Cr2O3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, Which of the following is not a polymer? इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं होता है, नॉर्मल वो हमारे केमिकल रिएक्शन से हमको मिल जाता है। पॉलीमर का मतलब या तो कोई बहुत ज़्यादा स्टोरेज से बनाया जा रहा है, या तो हमने कोई केमिकल कंपाउंड लिया और उसको कई बार उसको जो अपर रूप थे उसको आपस में मिला दिया, लेकिन इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन से मिलता है, इससे सॉल्ट प्रोटीन इट्स कॉटन या वुल, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, यहां पर जनता बोलेगी सर होना चाहिए एक नंबर सॉल्ट की तरफ जा रही है, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, तो सॉल्ट की तरफ जब जनता जा रही है तो यहां पर अगर हम देखेंगे सही जवाब क्या होता है, तो जल्दी से बता, अच्छा इसमें कौन सा बॉन्डिंग पाया जाता है, कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है सॉल्ट में, देश का नमक। चलिए तो यहां पर हम लोग सही जवाब की बात करेंगे, तो दैट इज सॉल्ट, सॉल्ट इसका सही जवाब है। आप लोग सभी लोग जानते हो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू ये बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल नहीं है, इट्स अ पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन या पॉलिस्टर। मैंने क्या बोला, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल नहीं है, मतलब वो हमारा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। कोवेलेंट है, कौन कोवेलेंट बता रहा, दीपेंद्र नहीं, आयनिक बॉन्ड है बेटा। हाँ
हमने क्या किया, हमने इसको हीटअप किया और ये पिघल गया। अगर ये पिघलता नहीं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, लेकिन ये सारे के सारे पिघल जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो क्या है, वो है हमारा, बताओ भैया इस्तेमाल किया ना, वो है हमारा बैकेलाइट का भाई, मेलामाइन का भाई, वो है हमारा पॉलिस्टर। क्या है बच्चों, पॉलिस्टर इज द राइट आंसर, चार नंबर सही जवाब है, याद कर लो पॉलिस्टर, जो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्टर का पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो दैट इज नोन एज पॉलिस्टर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, इनमें से फिजिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है, मतलब हमने परिवर्तन किया और वापस से वो अपनी स्थिति में आ जाता है, वापस से वो अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है, अचीव इज फॉर्मर पोजिशन इज नोन एज फिजिकल चेंजमेंट, बर्निंग ऑफ फ्यूर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सुगर इन वाटर, या राइपिंग ऑफ फूड, क्या होना चाहिए, फ्रूट सॉरी, मतलब एक बार हो गया तो वापस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, मतलब चार नंबर है, फल पक जाएगा तो उसको वापस से कच्चा कर दोगे, हैं? जान बोल रहा है डिजॉल्विंग ऑफ सुगर। मिश्रा जी, तुम्हें हम एक पका हुआ आम दे रहे हैं, उसको तुम अमिया में बदल के दिखाओ, अमिया जानते हो, कच्चा आम होता है, कैरी जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहां पर सही जवाब है डिजॉल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर, सुगर को पानी में घोल दो, सोल्यूशन बना दो और उसके बाद से इसको गर्म कर दो, गर्म कर दोगे तो उड़ जाएगी चीनी, बचेगा पानी, और पानी को पी जाओ, चीनी को खा जाओ, ठीक है, तो पानी जो है इसको आप क्या कर सकते हो, गर्म करने पर निकाल सकते हो, और उसके बाद से यहाँ पर एक कोई ब्यूरेट लगा करके आप इस पानी को इकट्ठा भी कर सकते हो, दैट इज द राइट आंसर भैया, ये सही जवाब है। इतना इजी क्वेश्चन फिर भी तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, हैं, इतने इजी क्वेश्चन में फंस गए तुम लोग। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, इनमें से सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि एक स्यूडो फोर्स होता है का एग्जांपल नहीं है, टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम इन द वॉशिंग मशीन, टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फ्रॉम फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, टू रिफाइन क्रूड ऑयल फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ भैया। देखो मैंने बोला था लेवल जो है वो हाई होने वाला है धीरे धीरे, सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है, उड़ गए तोते, मुझे मालूम है तीसरे और चौथे ऑप्शन में तोते उड़ जाएंगे तुम लोगों के। जो लोग क्लास बीच से छोड़ के गए हैं ना बफरिंग होने के दौरान, उनका वही क्लास में के बाद जो है जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या मिस कर दिया। तो ये क्लास के अंतिम तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो सही जवाब है हमारा, जो क्रूड ऑयल से निकालने का जो प्रोसेस होता है हमारे पेट्रोलियम्स को, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। आपके जो कच्चे तेल होते हैं उससे हमें जो पेट्रोलियम निकालना है तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी के सब में आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप सभी लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हो, दैट इज द रिएक्टिव फोर्स, जो कि हमारा क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो कि एक स्यूडो फोर्स होता है, मतलब ये लगाया नहीं जाता, महसूस होता है बस ये हमको, जैसे कि आप लोग मक्खन से मलाई निकालते हो, चौक से किसान बर्तन बनाता है, ये सभी के सभी एग्जांपल हैं। तो फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर, और वहां पर प्रभाजी आसवन होता है, फ्रिक्शन डिस्टिलेशन होता है। क्लियर है भैया, सभी को क्लियर है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, चीज, चीज बहुत लोगों को पता होगा, बहुत फेवरेट होता है चीज, इन द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, कोलाइडियल सॉल्यूशन आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, उसमें हमारा जो चीज है वो किस तरीके का, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, या लिक्विड इन गैस, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। तो अगर हम लोग देखें, हमारा जो प्रक्षेपण माध्यम होता है जिसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो हमारा जो चीज होता है उसमें डिस्पर्सन फेज जो होता है वो कैसा होता है, तो वो लिक्विड होता है, क्योंकि दूध से बनता है, तो डिस्पर्सन फेज जैसा वो इनिशियल स्टेट में रहता है वो कैसा रहता है, तो लिक्विड रहता है, और बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम या प्रक्षेपण माध्यम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो आपसे पूछ सकता है भैया एरोसॉल पूछा गया है, लिक्विड पूछा गया है, सॉरी फॉर्म पूछा गया है, एल्यूमिनेशन पूछा गया, ये सारे के सारे पूछा। अगर मैं मिल्क की बात करूंगा तो मिल्क लिक्विड इन लिक्विड होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, इमुलसन बोलते हैं मिल्क को। अगर मैं मिल्क यहाँ पर पूछता तो लिक्विड इन लिक्विड जिसको हम लोग इमुलसन बोलते हैं, ठीक है। एरोसॉल की बात करूंगा जो कि तुम्हारे क्या होते हैं, गैस वाला परफ्यूम बोलते हो, क्या डिओड्रेंट बोलते हो। तो एरोसॉल की अगर बात करोगे तो आपका सॉलिड इन गैस नॉट लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस इज नोन एज एरोसॉल। जैसे कि आपका धुआं जिसको आप लोग बोलते हो, स्मोक जिसको बोलते हो, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, अच्छा भोजपुरी में पायस को खीर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय, कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी थी वो किसने दिया था, जूलिया रॉबर्ट मेयर ने, लेवासिए ने दिया था, मेंडलीव ने दिया था, या पॉलिंग ने दिया था, जल्दी से बताइए। कि मास एक कंजर्व होता है, वो ना ही आपका बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, वो सिर्फ हमारा फिक्स रहता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट मान लिया था। तो मैं अगर बात करूंगा तो ये हमारे केमिस्ट्री के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के फादर जो कि हमारे कौन है, एंटोनी लेवासिए, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो दैट इज द राइट आंसर जो कि आप लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रांगली फ्रूट फ्रेग्रेंस, तीखी फलों जैसी खुशबू किसमें आती है, मतलब मजा आ जाता है, फलों जैसी खुशबू आती है। इस एथिल एसिटेट, मेथोनोइक एसिड, मेथिल क्लोराइड या मेथेनॉल, मेथनॉल, जल्दी से बताइए। जैसे लगता है कि आहा क्या खुशबू आ रही है, स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है, ठीक है, या बनाना क्या आ रही है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको अलग अलग, जैसे आपके च्युइंगम्स आते हैं उसमें लिक्विड को डाला जाता है और आप लोग सोचते हो कि स्ट्रॉबेरी का वाला च्युइंगम हम खा रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। होता है एसीटेट इज नोन फॉर स्ट्रांगली फ्रूटी फ्रेग्रेंस, तो एथिल एसीटेट इज द राइट आंसर, एथिल एसीटेट जो है वो इसका सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूँ इसी एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो C4H8 and O2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेथेनॉल हमारा क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप का होता है, CH3OH बोल सकते हैं। मेथिल क्लोराइड को अगर आप लोग बात करेंगे तो CH3Cl जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, एक सॉरी ये हमें क्लोरोफॉर्म नहीं है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। तो मेथिल क्लोराइड ये हमारा है CH3Cl और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। मेथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो CH3COO एच होता है मेथेनोइक एसिड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट, बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या होता है। एक बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो एक बच्चे ने जवाब दिया राखी सावंत, मतलब अजीबोगरीब जवाब आते हैं क्वेश्चन। मैंने पूछा दिल्ली का साइंटिफिक नेम, बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बोलते हैं राखी सावंत, जबकि ऑप्शन में क्या था, तो लियो था, डोमेस्टिका था, अफ्रीकनिस था या टाइगरिस था, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। या तुम्हारे मन में भी कोई अगर आ रहा हो तो तुम उसका जवाब दे सकते हो, यहाँ पर खुला दरबार है, आर्टिकल नंबर 19 का इस्तेमाल करो और यहाँ से बात लीक भी नहीं होगी क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा। जनता बोले कि सर होना चाहिए फेलेरिस डोमेस्टिका, तो फेलेरिस डोमेस्टिका लोगों को लग रहा है, मतलब इतने सियोरिटी के साथ बोल रहे हो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सही जवाब है फेलेरिस डोमेस्टिका, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है, हाउ मैनी कार्बन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फ्रेक्टोज, हमारा जो फ्रेक्टोज होता है उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, तुम लोग जब तक हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। तो कई बार मैं बता चुका हूं कि भैया ग्लूकोज और हमारे जो फ्रेक्टोज होते हैं दोनों सेम होते हैं, फ्रेक्टोज में बस कीटो ग्रुप होता है और आपका जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हमारा फ्रेक्टोज का फॉर्मूला सेम वही है जो ग्लूकोज का है, मतलब C6H12NO6, मतलब ये आपका कैसा, तो आपकी हेक्स शुगर इसमें पाई जाती है, 6 शुगर पाई जाती है, तो दैट इज द 6 इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ
हो चुका है टाइम आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ठीक 8:30 AM पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम लोग SSC के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे हमारे एग्जाम में नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ठीक 8:30। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको बता चुका हूँ 5:00 जैसा कि हम यहाँ पर रेगुलर आते हैं आप आ सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए भैया 5:00 मैं आपका इंतजार करता हूँ। तो शाम को बनाइए रंगीन और सुबह को बनाइए हसीन हमारे इस सफर में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और हैव अ गुड नाइट, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, जो कि आजकल की सबसे बड़ी डिमांड है।